नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। आज के दिन में जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे रहने वाले हैं, ये इस रीडिंग के थ्रू हम चेक करेंगे। ओके, सो जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। टू टैप इन टू देयर एनर्जी, से देयर नेम थ्राइस, 3 बार उनका नाम आप बोल सकते हो या मन में भी बोल सकते हो। ठीक है, इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, दैट मीन्स वेन एवर दिस रीडिंग कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है तभी आपको ये मैसेजेस मिलने हैं। चलिए, महादेव का नाम लेके शुरू करते हैं आज का सेशन। मे लॉर्ड शिवा एंड माँ भगवती गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन। लेट्स सी, जिनसे कि आपकी बात नहीं हो रही है, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इस समय पर आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। आप चाहो तो इस व्यक्ति का जो चेहरा है वो डिविनेशन बाउल में भी विजुअलाइज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो एक बहुत घना सा पेड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही वाइज इंसान हो सकते हैं जिनसे कि आपकी बातचीत नहीं हो रही है, बहुत समझदार पर्सन, बहुत ही ज़्यादा विजडम वाला इंसान, जिसने लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाने वाला इंसान। इमोशनल है लेकिन प्रैक्टिकल भी है। एक बहुत ही बैलेंस्ड सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है फ्रॉम दिस पर्सन। बट आई कैन ऑल्सो सी कि जैसे कि जिम्मेदारियों के भार से इनकी रिपीट है वो झुकी हुई है। अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं तो आपने 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ज़रूर देखा होगा, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये इंसान ऐसा लग रहा है कि अपनी खुशियों का दम घोंट रहे हैं या अपनी खुशियों को सेकेंडरी रखते हैं, इनके लिए अपनी जो इनकी हैप्पीनेस है वो प्रायोरिटी नहीं है और ये दूसरों के लिए बस अपने जीवन को जिए चले जा रहे हैं या ये सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और मे बी ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये सेक्रीफाइस का मैसेज आ रहा है और ये चेन जैसी आप देख रहे हो ना कंटिन्यू होती जा रही है। मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ सेक्रीफाइस करें, मे बी अब इनकी बस हो गई है, दे कैन नॉट सेक्रीफाइस एनी मोर, नाउ इट्स योर टर्न, मे बी अब आपकी बारी है। कुछ चीज़ें जो हैं वो रिटर्न बैक होकर के वापस आ रही हैं, सम एनर्जी इज़ कमिंग बैक, सम पर्सन माइट कम बैक, मे बी जिनसे बातचीत नहीं हो रही है ये इंसान लौट करके आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। और बड़ी स्पीड यहाँ पे जो है ये बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। पंच तत्वों का एक बैलेंस मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। एक इमोशनल और प्रैक्टिकल और हर चीज़ का बैलेंस, थॉट्स का बैलेंस, मनी का बैलेंस। इफ़ यू लुक एट दिस सिंबल केयरफुली, ये लिप्स की तरह भी लग रहा है। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक एन आई, लाइक थर्ड आई। तो ये व्यक्ति जो है ऐसा लग रहा है कि अपने माइंड में सी बहुत कुछ सोच रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं इनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा। ओके, आई कैन सेंस देर इज़ समवन हु इज़ बीइंग सुसाइडल। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सैडनेस की वजह से बहुत ज़्यादा सुसाइडल भी महसूस कर रहे हैं। कैन यू सी देर इज़ सो मच नेगेटिविटी। पर ये अच्छा भी साइन है क्योंकि ये अपने अंदर सुधार करना चाहते हैं। ये अपनी जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनके साथ में अपने जीवन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इनकी नेगेटिविटी की वजह से ये ऑलरेडी बहुत सारे कनेक्शंस और बहुत सारे लोगों को हार्म कर चुके हैं। तो अभी अपने इस एटीट्यूड को या अपने इस बिहेवियर या नेचर को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं। लाइफ इज़ चैलेंजिंग देम, लाइफ जो है इनको बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रही है इस टाइम पे, जिनसे कि आपकी बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये बड़ी कंफर्टेबल जीवन जी रहे हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू। ओके, अपनी गलतियों का एहसास इस व्यक्ति को हो रहा है, गिल्ट है, रिग्रेट है, एम्बेरसमेंट है, शेम है। लोअर फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं ये, लेकिन फिर भी जैसे खुद ही अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग भी इनको ब्लेम कर रहे हैं कि भाई ये तो आपने ही गलत किया है,
एंड यू आर दी वन हु विल हैव टू फिक्स दिस, कि आपको ही इसको फिक्स करना भी पड़ेगा. ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे मुझे स्वान्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. ओके, विच इज़ अ सिंबल ऑफ लाइक अ सोलमेट कनेक्शन. मे बी इस तरीके की एनर्जी में गाइज आप रह चुके हो और नहीं रह चुके हो, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि सिमिलर एनर्जी इमोशंस जो है वो आपको भी महसूस करने पड़े. सिचुएशन फ़र्क हो सकती है, लेकिन लेसन दोनों को कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही मिलने वाला है. ठीक है, आप लोगों की फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा मैच करती हैं एक दूसरे के साथ में. ऐसा भी हो सकता है कि इन जनरल आप लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा मैच करते हैं. देवी माँ की बहुत ज़्यादा कृपा और ब्लेसिंग जो है वो इस कनेक्शन पे आती भी मुझे दिखाई दे रही है. जैसे माता रानी आप दोनों को बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, और माता रानी जो हैं वो चाह रही हैं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो जल्द से जल्द हो जाए. और आप लोगों के बीच में अगर कुछ भी गैप बन गया है तो वो जल्दी से फिल हो जाए. यस, सी माता का दिल तो इतना बड़ा है, उन्होंने तो राक्षसों को भी सुधरने का मौका दिया है ना. तो अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इंसान गलती करता ही है, अगर वो अपनी गलती मान करके अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करते हैं, देन आई थिंक सेकंड चांस जो है वो हर पर्सन डिज़र्व करता है. और मुझे ये सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है. मे बी ये सवाल आपके मन में है, मे बी ये सवाल आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में है कि क्या इस रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहिए, क्या इस व्यक्ति को दूसरा मौका देना चाहिए. तो आंसर वुड बी डेफिनेटली येस. एवरीबडी डिज़र्व अ सेकेंड चांस. हर व्यक्ति जो है वो एक सेकेंड चांस डिज़र्व करता है. और फेथ एक वर्ड है, फेथ विच इज़ डिफरेंट देन ट्रस्ट. ट्रस्ट कैन बी ब्रोकन बट फेथ इज़ अनशेकेबल. अगर आपका फेथ है तो वो फेथ को ब्रेक कोई नहीं कर सकता. फेथ कैन नॉट बी ब्रोकन. ओके, कई बार ऐसा होता है कि जब मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस चैनलाइज कर रही होती हूँ, समटाइम्स आई स्पीक वेरी स्लोली एंड समटाइम्स आई एम स्पीकिंग वेरी फास्ट. कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा बड़ी तेज़ी से मैं बोल देती हूँ, क्योंकि ना कई सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं और मैं एक भी स्किप नहीं करना चाहती. मैं चाहती हूँ कि जितने मैसेजेस आ रहे होते हैं वो सब मैं फटाफट बोलती चली जाऊँ आप लोगों के लिए. तो अगर कभी ऐसा होता है और आपको लगे कि वीडियो में मैं बहुत तेज़ी से बोल रही हूँ ना, आप इसमें सेटिंग्स होती हैं, उसमें आप जा कर के ना थोड़ा सा वीडियो को स्लो भी कर सकते हो. ओवरऑल जो आप लोगों का जो पैटर्न बन रहा है आज के दिन में, इट इज़ समथिंग वेरी स्वीट. मुझे बहुत मिठास वाली, बहुत स्वीट वाली एनर्जी जो है वो आज की रीडिंग में दिखाई दे रही है. और मैसेज भी जो है वो आप दोनों के लिए पेशेंस रखने का मैसेज आ रहा है. आप लोगों की जो नैया है वो एक तरीके से किनारे लगने वाली है, समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं, यही सटीक सटीक मैसेज आ रहा है. पहिए दिख रहे हैं मुझे, व्हील्स दिख रहे हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं. देर इज़ फॉरवर्ड मूवमेंट हैपनिंग. मूवमेंट होना अच्छी चीज़ है. ऊर्जा का जो चक्र है वो चलता रहना चाहिए, उसमें गड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए और वो रुकना नहीं चाहिए. वो रुकता है जब, तो फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं. सम हाउ इट शुड कीप ऑन मूविंग. आपकी लाइफ में भी कुछ नया चक्र जो है वो मे भी शुरू हो रहा है. कोई नई साइकिल इस पर्सन के साथ में स्टार्ट हो सकती है. एक नया फेज इस पर्सन के साथ में स्टार्ट हो सकता है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल. दिस फेज कैन बिकम अनदर बिल्डिंग ब्लॉक आप लोगों के कनेक्शन का, एक और स्तंभ बन सकता है. ठीक है, आप लोगों के रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए. चलिए, आज की रीडिंग में बहुत प्यारा सा ये जो कनेक्शन बन रहा है, सो आई विल डू सम साइकिक इंटरप्रिटेशन एज वेल. इसको यहीं रख देते हैं. इस समय की एनर्जी देखते हैं भाई, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ये इस समय पर कहाँ है, क्या कर रहे हैं. मुझे तो किसी के हाथ में स्टीयरिंग व्हील दिखाई दे रहा है, तो मे बी समवन इज़ ड्राइविंग और दे हैव समथिंग लाइक दिस इन देयर हैंड, होल्डिंग समथिंग लाइक दिस, किताब, न्यूज़पेपर, सम पेपर डॉक्यूमेंट, समथिंग इन देयर हैंड. बोथ द हैंड्स आर बिजी. दे माइट बी कुकिंग ऑल्सो. कुकिंग भी हो सकती है. या ज़्यादा करके तो मुझे जो स्टेयरिंग व्हील होता है गाड़ी का वो दिखाई दे रहा है. ठीक है, या अभी चक्र भी आया था आप लोगों की रीडिंग में ना, तो मे बी वो वही चक्र था जो इनके माइंड में अभी आँखों के जो इनके सामने है. कोई गोलाकार चीज़ इनकी आँखों के सामने है.
एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ मूविंग और समथिंग दैट इज़ गोइंग टू मूव. आई कैन सी अ वेरी ब्यूटिफुल शैडो ऑफ महादेव एंड गणपति जी एज वेल. अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सूदिंग एनर्जी लाइट कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एज इन कि जैसे अभी रात के बाद में दोबारा से सवेरा होने वाला है और बहुत ही मुश्किल हालात के बाद में इस इंसान के लिए भी एक तरीके से एक रोशनी वाला समय आ रहा है. इनके अंदर से उम्मीद जो है वो जागृत हो रही है. ये अपनी लाइफ को वापस से सही दिशा में ले जाने के बारे में सोच रहे हैं. ये सही फैसले लेने के बारे में सोच रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. जो ओवरऑल आप लोगों की रीडिंग में आया है, ये इंसान अपने कर्मों के द्वारा किसी को भी अब चोट पहुंचाना नहीं चाहते हैं. हिम्मत की एनर्जी आ रही है, करेज की एनर्जी आ रही है. दिस इज़ लाइक एनर्जी ऑफ समवन हु वांट्स टू पिक देम सेल्फ अप. कोई ऐसा इंसान जो अपने आप को दोबारा से उठ करके खड़ा करना चाहता है. ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, इन्होंने अपने फाइनेंशियल या अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ डाउनफॉल देखा है. कन्फर्मेशन वंस अगेन, डाउनफॉल देखा है और उस डाउनफॉल से ये वापस से राइज करने की कोशिश कर रहे हैं. धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को वापस से बिल्डअप कर रहे हैं. इनका जो आभा मंडल है यानी कि इनका जो ऑरा है उसमें मुझे मजबूती आती भी दिखाई दे रही है. अगर दिमागी तौर पर या इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंसान कुछ समय से कमज़ोर चल रहे थे, तो वो कमज़ोरी भी जो है वो अब धीरे धीरे हटती हुई दिखाई दे रही है. ओके, एंड जस्ट अभी मेरा ध्यान गया इस बात पे. आप में से बहुत सारे लोग ब्रेसलेट्स तो आप लोग परचेज़ करते ही हैं. अभी रिंग्स भी आप लोग पूछ रहे थे ना, तो मैंने अरेंज करवा ली हैं आप लोगों के लिए. इफ़ यू वांट टू बाय क्रिस्टल रिंग्स तो आप ऑर्डर दे सकते हो उस चीज़ का. मेरा जस्ट अभी मैंने देखा तो मुझे ध्यान आ गया. ठीक है, सो ये इनकी आज की एनर्जी है गाइस. फिलहाल इस रीडिंग के लिए इतना ही. दूसरा टैरो कार्ड रीडिंग की भी जो हमारी क्लासेस हैं, नया बैच जो है वो बेसिक लेवल का अभी शुरू होने जा रहा है. तो शुरुआत से अगर आप सीखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रीडिंग. जाने से पहले लाइक दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा. नमस्ते, जय गुरु जी, टेक केयर.